नमस्ते सर, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ सर। माँ चामुंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा एक ग्रुप का नाम है और हमारा जो रीजनल ऑफिस है वो जयपुर ऑफिस लगता है। हम लोग मिनिएचर पेंटिंग्स का काम करते हैं और हमारे ग्रुप में भील गमेती ट्राइब्स लोग हैं, ट्राइब्स के गमेती ट्राइब्स के लोग हैं और हम लोग 25 मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं। ये जो पेंटिंग हम कर रहे हैं सर, इसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, राजस्थानी मिनिएचर आर्ट। ये देखिए सर, ये जो किया हुआ है वो सिल्क कपड़े के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, दिस इज़ ऑन सिल्क। और ये जो शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है, ये पूरा ही गोल्ड का जो डस्ट फॉर्म आता है मरगान, वो अप्लाई है इसमें। और ये नेचुरल स्टोन कलर्स है सर। इसमें जो ब्रश यूज़ होते हैं वो सिंगल हेयर ब्रश यूज़ होता है, इसका जो पॉइंट वाला जो बनता है वो सिंगल हेयर ब्रश बनता है और उससे ही इतना माइन्यूटली डिटेल, कहीं कोई एक एक स्ट्रोक्स आप देख सकते हैं, कहीं ओवरराइट नहीं होगा, कहीं मिसमैच नहीं होगा। और ये पूरा डिटेल वर्क जो है वो सिक्वेंस के साथ बहुत ही डीपली वर्क किया जाता है। इसी तरह से बहुत तरह के अलग अलग और भी हैं, जैसे ये पुराने पेपर के ऊपर किया हुआ है, ये जो किया हुआ पुराने ओल्ड पेपर के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, इसमें भी इतना ही महीन काम है। इसके लिए अपन अगर यूज करके देखें, अगर क्लियरिटी देखनी है तो मैग्नीफाइंग से देखना पड़ेगा तुम्हें, एक एक स्टॉक। ये पुराने हो गए और आउट ऑफ दिस ये जो पेंटिंग्स हैं, ये सर पुराने पोस्ट कार्ड जो होते थे, पुराने ओल्ड टाइम के यूज पोस्ट कार्ड जो हम लोग कलेक्ट करके अलग अलग जगह से और फिर उसके ऊपर पेंटिंग हम लोगों ने बनाया। अब जैसे इसमें अगर अपन देखें तो मैंने कहीं कहीं देखा है 27 का भी है, ये 84 का है, 2084। और 20 ये 30 का है, 4 मार्च 1930 का, उस टाइम पे किसी ने यूज़ किया है इसको और उसको कलेक्ट करके फिर इसके ऊपर पेंटिंग हम लोगों ने थोड़ा यूज अनयूज को यूजफुल बना दिया इसको। इसी टाइप का अगर अपन ये देखें तो ये भी सिल्क के ऊपर है, सिक्स सिंबल्स ऑफ इंडिया, ये भी क्लॉथ के ऊपर है। कितने का है दुपट्टा? ये 2600 का। एलिफेंट इज सिंबल ऑफ गुड लक, और हैंडमेड है। एलिफेंट इज सिंबल ऑफ गुड लक, हॉर्स इज सिंबल ऑफ पावर, पीकॉक फॉर हैप्पीनेस, काउ फॉर ह्यूमैनिटी, कैमल फॉर लव एंड टाइगर फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसका जो अपन फ्रेम करते हैं सर, तो फ्रेमिंग के बाद ये गेटअप आ जाता है इसका। फ्रेमिंग आफ्टर फ्रेम जो है वो लुक इस तरह से लुक आएगा और इसको फ्रेम करके वॉल पे लगाने के लिए होती है। ये सारी पेंटिंग जो है वो फ्रेमिंग के लिए है, फ्रेम करके वॉल डिस्प्ले। बताने के लिए इस तरह से मैं ट्राइब्स जो है ट्राइब स्टेट सपोर्ट कर रहा है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हैं। मैं 2009 से ट्राइब स्टेट से जुड़ा हुआ हूँ सर, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस भी है कि मैं इनमें जुड़ने के बाद हमारे आय में भी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, अच्छा हमारे लिविंग स्टेटमेंट में भी फ़र्क आया, काम में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और साल में एक बार यहाँ पे आना होता ही है इस ट्राइब फेयर में सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्राइब्स इंडिया का कि हम जैसे आर्टिस्टों को गांव से शहर में लाके आने का मौका मिला है हमें, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें।